Morning class 7th. Today we will learn about to draw perpendicular bisector. In other means we can say line bisector and angle bisector. Okay? दो चीज़ें हैं, perpendicular bisector और angle bisector. दोनों का बहुत important है, बहुत जगह पर use होगा आपके आगे classes में भी, इस classes में. Okay? तो perpendicular bisector और line bisector दोनों में थोड़ा सा difference है. लाइन बाइसेक्टर मीन्स अ लाइन विच बाइसेक्ट्स द लाइन अदर लाइन. ठीक है, लाइन बाइसेक्टर मीन्स एक लाइन है जो किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करता है. ठीक है, चाहे ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसे भी हो सकता है. बट व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स सीधा खड़ी रहेगा. ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा इसके साथ. दोनों लाइन आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे. ओके, सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और जनरल कहेंगे तो लाइन बाइसेक्टर. ठीक है, जनरली कोई भी लाइन बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है जब दोनों लाइंस के बीच में क्या बने, 90 डिग्री एंगल बने. ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो ये लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. लाइन ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? लाइन बी. ठीक है, अब आते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, सो आई हैव ड्रॉन अ लाइन ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर. ओके, मेजर करके देख सकते हैं. ठीक है, 6 सेंटीमीटर है. यू सी 6 सेंटीमीटर लाइन. अब इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले राउंडर को आप, ठीक है, एक कोने में रखिए, चाहे बी पे रखें चाहे ए पे रखें, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है ना, हाफ तो अंदाज़ा हो जाता है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा आपको लेना है दोनों तरफ आर्क. ठीक है, नाउ सेम थिंग फ्रॉम ए, ए से भी आपको कोई चीज़ें करना है, कटेगा कहीं पे. ठीक है, अब इस लाइन को ड्रॉ कर देना है. तो इसमें कुछ चीज़ें सामने आएगी. ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको अगर हम सी ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं? सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट मीन्स जो दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में. ठीक है, बिल्कुल बीच में है मतलब ए सी और सी बी की लेंथ बराबर होगी. तो यहाँ पे ए बी बाई टू, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए. ठीक है, मैं थोड़ा सी सी बस को समझाऊँगा आज. लाइन बाइसेक्टर समझ में, लाइन बाइसेक्टर आप यहाँ पे ऐसा भी खींच सकते हैं. ठीक है, ये जो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आप चेक करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा. लाइन बाइसेक्टर आप इसी पॉइंट से, मिड पॉइंट से आप कैसा भी खींच सकते हैं, ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं. ठीक है, इधर भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, ये सब लाइन बाइसेक्टर है. ठीक है, लेकिन ये बीच वाला क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. आ रही बात समझ में? क्या है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है. सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, सी जो है ए बी के बिल्कुल बीचों बीच में है, मिड पॉइंट है उनका. और जो लेंथ है ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए बी का आधा. ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर है. आधा तो दो भागों में बांटा है ना, हम किसी भी चीज़ को जब बराबर दो भागों में बांटते हैं तो दोनों इक्वल होगा, है ना. तो ए सी और सी बी दोनों बराबर होंगे. ए सी यहाँ तक है, ठीक है, और सी बी यहाँ तक है ना. ए से स्टार्ट होकर सी तक, सी से स्टार्ट होकर बी तक, ये कितना होगा? 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो ए सी और सी बी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, ये हो गया लाइन बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स. दोनों में अंतर क्या है? लाइन बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या वो किसको बोलते हैं. ठीक है, और इसको बनाएंगे कैसे, समझ में? वन सेकेंड, आई विल रिपीट. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन 6 सेंटीमीटर या कोई भी लेंथ आप मेजरमेंट कर ले लीजिए. ठीक है,
चाहे 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, बड़ा भी लेना चाहे बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। दिख रहे हैं स्केल, आप कोशिश करिए छोटा स्केल लेने का, है ना, छोटा स्केल लेने का कोशिश करिए जब भी लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि बड़ी स्केल में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगा कॉपीज़ में रखने में, ठीक है। सो 6 सेंटीमीटर लेंथ हमने लिया, 6 सेंटीमीटर लेंथ लेने के बाद राउंडर हमेशा याद रखिए, राउंडर जब भी आप पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल ऐसा डालिए जो पूरा लंबा ना हो, ठीक है, हाफ हो सकता है, हाफ से कम हो सकता है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट पूरा लेंथ लेंगे तो आपको ऐसा मूवमेंट कराने में तकलीफ होगा, ठीक है। जब भी आप रखें देखिए कैसे रखना है, देखिए ऐसा, ठीक है, इस तरह से रखें, और राउंडर जब भी लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ऐसा रखें, ठीक है, ऐसा रखिए, बराबर आना चाहिए, दोनों की लेंथ बराबर आना चाहिए जब भी रखें, ठीक है। अब आप हाफ से जब ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, हाफ से ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने लिया हुआ है तो थोड़ा हो सकता है टेपर हो जाए, देखो ये फिर से यहाँ से पॉइंट रखने में, ठीक है, इसके बाद इसी को इधर भी घुमाना है ना, तो जहाँ जहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट करेंगे उनको आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये सीधा जॉइनिंग वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने से बनाए बगैर आप लाइन बाइसेक्ट मिड पॉइंट नहीं बता सकते, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका क्या बनाएगा, मिड पॉइंट बनाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट बनाने के बाद आप उस मिड पॉइंट से कोई भी लाइन खींचिए, वो सारे लाइन बाइसेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। ये सभी जो पॉइंट लाइन है ये लाइन बाइसेक्टर कहलाएंगे, ये भी लाइन बाइसेक्टर है, और ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, मिड वाला लाइन बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन बाकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, आई बात समझ में। नाउ सेकंड थिंग आते हैं, सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है एंगल बाइसेक्टर। तो आपने क्लास 6 में एंगल बाइसेक्ट करना सीखा था, ठीक है, उसे को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। सपोज आई एम मेकिंग एन एंगल, है ना, कोई भी एंगल मैं बना दे रहा हूँ, चलिए 60 डिग्री बनाते हैं, 60 डिग्री बनाना आता है, 5 सेंटीमीटर मैंने लाइन खींचा हुआ, पी क्यू नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्यू पे मैं 60 डिग्री बनाऊंगा, मैं पहले क्लास में किया भी है, क्लास 6 में बिल्कुल एकदम छोटा सा नहीं लेना ना, एकदम बड़ा लेना है, थोड़ा ऐसा लेना है कि आपको बने, ठीक है। राउंडर देखो कहाँ रखूँ, दिख रहा है, ये फर्स्ट जो लाइन होता है वो कहलाता है 60 डिग्री लाइन, ओके, फिर आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ओके, ये तो हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना, तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आर्क चेक कर लीजिए दोबारा, ठीक है, चेक वंस अगेन, इसके बाद जहाँ पे ये आर्क कट कर रहा है, ठीक है, ये जो आर्क है ना आपका कर्व, वो लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे आप राउंडर रखिए, बिल्कुल, फिर एक आर्क लीजिए, फिर जहाँ पे बेस लाइन, इसको बेस लाइन बोला जाता है एंगल का, ठीक है, बेस लाइन जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे, ओके, नाउ ड्रॉ द एंगल, ये आपने किया हुआ है, बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक। इसके बाद आप करिए इसको, ये जो एंगल होगा कितना होगा, आपने एंगल बाई सेक्टर बनाया, एंगल बाई सेक्टर मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांटा है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसको नाम दे दें एंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, तो इसको पूरा लिखते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर, दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो एंगल पी क्यू आर पॉइंट टू इज इक्वल टू पी क्यू एस इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा,
नोट्स बनाना चाहे तो रख सकते हैं आप, ठीक है। एंगल पी क्यू आर जो है दोनों का सम के बराबर है और दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वली बाइसेक्ट किया है, बराबर भागों में बांटा है, तो किसके बराबर होगा पी क्यू आर का आधा। तो पी क्यू आर कितना है 60 का आधा कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम कल एल्टीट्यूड्स और मीडियंस बनाने के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये बेसिक आप समझ लीजिए आप कैसे करना है, ठीक है। तीसरे एक पॉइंट पे और मैं फोकस डालूँगा, वो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना किसी भी पॉइंट से, टू ड्रॉ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट। तो तीन तरीके के केस होते हैं, एक तो मेनली दो तरीके का केस होता है, तीन हम तीन केस पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो होता है पॉइंट जो है यहाँ पे भी हो सकता है इस लाइन में, दूसरा होता है पॉइंट इधर कहीं भी हो सकता है, तीसरा जो है पॉइंट आउटसाइड द लाइन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा दूर ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में, यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने 90 डिग्री एंगल बनाया है तो आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ से कैसे बनाना है, यहाँ से आर्क लेंगे, ठीक है, 60, फिर 120, 120 से ऊपर आप खींच दीजिए ताकि ईजी हो, फिर ऊपर यहाँ से खींच दीजिए, बिल्कुल सीधा चले जाएगा ये लाइन, ये हो गया 90, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। लाइन टेढ़ी इसे दिख रहा होगा, ठीक है, लाइन टेढ़ा इसे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मेजर करके बनाएंगे तो सही आएगा। इसके बाद यहाँ भी आप वही करेंगे तो पहले वाले में किए, यहाँ पे आप खींचिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे करिए, इसे खींचना लाइन थोड़ा टेढ़ा खींचा हुआ इसलिए आपको, ठीक है। मोबाइल दिख रहा होगा टेढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट आउटसाइड द लाइन, तब आपको क्या करना है इस पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया हुआ है, ये भी आपके क्लास 6 में था, पॉइंट पी लिया हुआ है, पॉइंट पी से आपको ऐसा लेना है कि इस लाइन को कट करें, यहाँ पे तो लाइन पर कोई कट नहीं कर रहा, तो हमको इसको एक्सटेंड करना होगा। कभी भी जब ऐसा केस आए, इसलिए मैंने पहले बताया, अगर पॉइंट को कट कर सकता है कोई अच्छी लाइन को कट कर सकता है दो पॉइंट पे तो अच्छी बात है, नहीं कट करता है तो आपको ऐसे एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करने के बाद हम इस तरह से इसको आर्क कट करेंगे, ठीक है। हमको यहाँ दो पॉइंट मिल गया, अब इससे नीचे आर्क कट करेंगे, 1 2, समझ में आ रहा है, एक यहाँ से इसको आपको पी से मिला देना है, इसको ये कट जो बना है ना, ठीक है, ये कट को और पी को दोनों को आपको मिला देना है, ठीक। ये है हम किसी भी पॉइंट पी से आउटसाइड द सर्कल ए बी लाइन में परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा ये,
ये कंस्ट्रक्शन जब तक आप नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर पे जाएंगे, ठीक है। अगर और देख लीजिए, देखना है तो, ठीक है, करके देखिएगा। थैंक यू।